आज मैं आप सभी से ये लुक शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, ये लुक इतना सिंपल है कि दिन में और रात में दोनों में ही ये लुक बहुत अच्छा लगने वाला है। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, और अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इस लुक को आराम से क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ में मैं आपको एक गजरा हेयर स्टाइल भी बताने वाली हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइस, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप आराम से ये लुक क्रिएट कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर मैंने कंसीलर भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ फाउंडेशन की हेल्प से मैंने ये लुक क्रिएट किया हुआ है। तो गाइस, इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए। प्राइमर अप्लाई करने के बाद जब हम हमारा फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो जो बेस होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर कलर करेक्शन कर रही हूँ। उसके लिए मैं ऑरेंज कलर का आई शेडो अपने फाउंडेशन में मिक्स करके उसे अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेड एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद गाइज, मैं अपना फाउंडेशन पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ, और फिर उसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज़, आप अपना फाउंडेशन को नेक एरिया पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। गाइज़, मैं यहाँ पर कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन को ही अपने अंडर आई एरिया पर फिर से अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपना फेस सेट कर रही हूँ। इसके बाद गाइज़, हम अपने आई लुक पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्लैक आई शेडो की हेल्प से फिल कर लूँगी, और उसे स्पूली की हेल्प से ब्रश कर लूँगी। उसके बाद गाइज, मैं यहाँ पर इस पैलेट में से ट्रांजिशन शेड को अपने क्रीज एरिया पर और पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फिर गाइज, ये जो डार्क कलर का ट्रांजिशन शेड है ना, इसको मैं सिर्फ अपने क्रीज एरिया पर पेंसिल ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं फिर से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। फिर गाइज, इसमें जो ये डार्क ग्रीन कलर का शेड है, इसको मैं सिर्फ अपने आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें से ये जो शिमर ग्रीन कलर का शेड है, इसको मैं अपनी पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये शेड अप्लाई करने के बाद जो हमारा आउटर भी था उसमें मैंने फिर से डार्क ग्रीन कलर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद गाइस, ये जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है, इसको मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर जो एक ब्लू कलर का शेडो है उससे मैंने उसे मर्ज कर दिया है, और मैंने फिर से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद गाइस, मैंने जैसे अपने ऊपर वाली आईलिड पर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ट्रांजिशन शेड अप्लाई किए थे, उसी तरह से वो सब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। फिर गाइस, मैंने इस पैलेट में से एक लाइट कलर का शेड लेकर उसे अपने इनर कॉर्नर्स और ब्रा बोन को हाईलाइट कर लिया है। अब गाइस, मैं अपनी आई लैसेस को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। तो गाइज, इसी तरह से मैं अपनी दोनों आईज़ कर लूँगी। आई लुक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं अपनी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। तो ब्रॉन्जिंग को मैं अपने फेस पर पूरे हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी। ब्रॉन्जिंग होने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्राउन कलर के आई शेडो की हेल्प से अपना कॉन्टोर कर लूँगी। तो कॉन्टोरिंग करने के लिए मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पर और जो लाइन पर, नोज़ पर, और गाइस कॉन्टोर को मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। कॉन्टोरिंग होने के बाद मैं यहाँ पर अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो ब्लश को मैं अपने चीक्स पर, नोज़ पर और थोड़ा सा चिन पर अप्लाई कर लूँगी, और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
ब्लश अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो हाइलाइटर को मैं अपने नोज़ की टिप पर, चिन पर, क्यूपिड बो पर, फोरहेड पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं एक न्यूड लिप क्रेयॉन की हेल्प से अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। फिर मैंने एक डार्क कलर का लिप क्रेयॉन लिया है, उसको मैं सिर्फ अपने लिप्स के सेंटर पर अप्लाई करके फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी और फिर जो भी एक्सिस रहेगा उसे मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से पोंछ दूंगी। तो गाइस, हमारा मेकअप कंप्लीट है और अब हम अपने हेयर स्टाइल पर आते हैं। तो हेयर स्टाइल के लिए आपको एक बहुत बड़ा सा गजरा चाहिए होगा, उस गजरे से आपको ब्रेड बनानी है। तो जैसे आप स्कूल में रिबन की हेल्प से ब्रेड करते थे, वैसे ही आपको गजरे की हेल्प से ब्रेड बना लेनी है और रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। तो गाइस, देखा ना आपने ये लुक कितना सिंपल था, और आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।